इस कहानी का शीर्षक है मेहनती किसान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र एक बहुत ही मेहनती और परिश्रमी किसान था। वह गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी और ज़मीन सूख गई थी। सभी किसानों को अपनी फसल के लिए चिंता होने लगी, लेकिन रामचंद्र डरने वाले नहीं थे। वह जानता था कि मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। रामचंद्र ने अपने खेतों को और अच्छे से सिंचित करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा, पानी की बचत करता रहा और पौधों की देखभाल में विशेष ध्यान देता रहा। दूसरे किसान उस पर हंसते मजाक उड़ाते, पर रामचंद्र ने अपने लक्ष्य के प्रति सदा संकल्पबद्ध रहा। कुछ समय बाद बादल उमड़ आए और बारिश शुरू हो गई। रामचंद्र की खेती के पौधे जीवंत हो गए और उनकी फसल बढ़ने लगी। वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका मेहनत और धैर्य उसे उनके सपनों की प्राप्ति तक पहुँचा रहे थे। फसल काटने के बाद रामचंद्र ने अपने परिवार के साथ आराम से खुशहाल जीवन का आनंद लिया। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे गर्व महसूस कराया। वह गांव के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आखिरकार गांव की जनता ने उसकी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। रामचंद्र की कहानी और संघर्ष गाँव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पण सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।